इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। इस कोरोना दौर में बहुत कुछ देखने को मिला और शायद ही इस तरह के हालात का सामना किसी को इससे पहले करना पड़ा हो। यकीनन कोरोना हकीकत या फसाना, दो मुख्तलिफ राय पेश करने वाले गिरोह आज भी मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं हुकूमत और WHO की मिलीभगत या साजिश है और उन्हीं की जानिब से कहानी लिखी गई है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना आलमी वबा है और इसे कहानी कहने वाले गुमराह कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। खैर, अब तो किसी तरह का लॉकडाउन होने के इम्कान नहीं है, पर इसमें भी झूठी अफवाह फैलाकर लोगों में एक तरह का खौफ तारी करने वाले मौजूद है। पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक तो चल रहा है, पर जो खसारा दौरे कोरोना में हुआ है इससे संभलने के लिए और भी वक्त लगेगा। यकीनन कोरोना की कहानी या सच्चाई ये कई डॉक्टर और मरीज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हाल ही में एक बार फिर बिम्स के डॉक्टरों की पिटाई हुई, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डॉक्टरों की पिटाई सही है या गलत। वैसे माशरे का कोई भी फर्द इसे सही साबित नहीं कर सकता, और अब जब बिम्स सरकारी अस्पताल है और डॉक्टरों की लापरवाही से किसी की जान जाती है तो किसे जिम्मेदार ठहरा जाए, ऐसा सवाल भी अवाम में पूछा जा रहा है। वैसे भी अक्सर लापरवाही को लेकर सुर्खियों में रहता है। इससे पहले भी कई मर्तबा सरकारी अस्पताल पर हमले हुए हैं और डॉक्टरों की पिटाई भी हुई है। कई बार लापरवाही से लोगों की जान जाने का इल्जाम लगाया गया है, तो कई मर्तबा जान बूझ कर मारने तक की अफवाहें उड़ाई गई। खैर, मरीज की मौत को डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहरा कर मारना गलत है। अब बीम्स के डॉक्टरों को मारने के बाद तमाम डॉक्टरों ने एहतजाज करने का फैसला लिया। इनका कहना है कि हम दिन रात खिदमात अंजाम देने के बाद भी डॉक्टरों के साथ इस तरह रवैया बेहद अफसोसनाक है, लिहाजा इन पर कार्रवाई की मांग की गई है। बेलगाम सरकारी अस्पताल पर हमला कर पथराव भी किया गया था, एम्बुलेंस जलाई गई थी, जिससे डॉक्टरों में डर का माहौल देखा गया था। हमला करने वालों को आखिरकार गिरफ्तार भी किया गया, पर यह मामला अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। यह खातून की मौत को इनके घर वालों ने सीधा डॉक्टरों और सिविल अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया और इन पर हमला किया। माशरे में इस वारदात की मजम्मत की जा रही है, पर इस सच्चाई से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कोरोना के दौर में एक तरफ दिन रात खिदमत करने वाले डॉक्टर्स भी थे, तो दूसरी तरफ डॉक्टरी पेशा से गद्दारी करते हुए कुछ रुपयों के लिए अपना जमीर तक गिरवी रखा दूसरी तरफ डॉक्टरी पेशा से गद्दारी करते हुए कुछ रुपयों के लिए अपना जमीर तक गिरवी रखने वाले डॉक्टर भी बेहिसाब पाए गए। बेहिसाब रुपए ऐंठने के साथ मुर्दे की भी कीमत वसूली गई। जो लोग दिन रात खिदमत अंजाम करते हैं इन पर हमला यकीनन काबिले एतराज़ है, पर जो समाज में ढोंगी बाबा बनकर नकली डॉक्टर या कहिए के मौका परस्त डॉक्टर जो सिर्फ मरीज को ग्राहक के नज़रिए से देखते हैं, इन पर कार्रवाई की ज़रूरत है। गरीब मजदूर बीमारी में बेबस बनकर डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए जाता है, ज़रूरत है इन पर शफक़त का हाथ फेर कर गरीब की दुआओं को हासिल करें, पर कुछ सफ़ेद लिबास में कसाई बैठे हैं जिनका ज़मीर नोटों की गड्डियों में दब कर कब का मरा हुआ होता है, तो इनमें रहम हमदर्दी या इंसानियत नहीं होती। लिहाजा ऐसे ताजिरों पर, मैं ताजिर इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने पेशे को तिजारत में बदल दिया है, ऐसे ताजिरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर अफसोस ये है कि आवाम अपना गुस्सा ईमानदारी से खिदमत अंजाम देने वालों पर निकालती है, जिसकी मजम्मत भी ज़रूरी है। महाराष्ट्र के लिए बेलगाम से 42 बसेस का सफर हुआ जारी। पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र के लिए बेलगाम से कोई बस रवाना नहीं हुई थी, लिहाजा कोरोना दौर के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों के लिए बसेस रवाना होने का सिलसिला जारी हुआ। कुल 42 बसेस महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई, जिसमें खासकर कोल्हापुर, सांगली, मिरज, पुणे, मुंबई शहरों को मुसाफिर रवाना हुए। वाज़ह रहे कि KSRTC को महाराष्ट्र गोवा से टैक्स हासिल होता है, वैसे हर रोज कुल 350 बसेस महाराष्ट्र कर्नाटक के दरमियान दौड़ती है। बेलगाम डेपो को पिछले बंद से 110 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर बसेस में इजाफा किया जाएगा, ऐसा के लमानी ने बताया। कांग्रेस रियासत तर्जुमान के तौर पर बेलगाम ग्रामीण की MLA मोहतरमा लक्ष्मी हेबाड़कर को मुकर्रर किया गया है। इसी तरह से बेलगाम खानापुर की MLA मोहतरमा अंजलि निम्बाड़कर को भी मुकर्रर किया गया है। कुल तकरीबन 67 तर्जुमानों की फहरिस्त रियासती सदर DK शुकमार की जानिब से शाया की गई और दिगर हिदायत भी दिए गए। बरोज मंगल पार्टी दफ्तर की जानिब से ऐलाननामा पेश करते हुए कहा गया कि पार्टी उसूल और नज़रिए को
मीडिया और आवाम तक पहुंचाने के लिए तजुर्बेकार तर्जुमानों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम को मुंतखब किया गया। लिहाजा तर्जुमान के तौर पर मुकर्रर करने पर मोहतरमा लक्ष्मी हेबाड़कर और मोहतरमा अंजलि निम्बाकर ने सदर पार्टी डी के शिवकुमार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे और आगे भी पार्टी से वफादारी करते रहेंगे। यूं ही सिलसिला खबरों का चलता रहेगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।